हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रनिंग के कुछ बेसिक स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, अभी युवा विकास कल्याण अधिकारी के फिजिकल आ रखे हैं, उसमें 200 मीटर रनिंग है। 200 मीटर रनिंग में एक एक सेकंड बहुत ज़रूरी हो जाती है अपने लिए, तो उसके लिए हमें अपने रनिंग के स्टेप पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, बॉडी किस हिसाब से रखनी है। दोस्तों, कभी भी रनिंग स्टार्ट करो, दौड़ते टाइम बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मत रखो। जैसे आप हम कर लेते हैं कि ऐसे स्ट्रेट करके फिर दौड़ते हैं, इससे क्या होता है कि हम जो फोर्स लगाना चाहते हैं ना, वो लगता नहीं है और बॉडी जल्दी थक जाती है। हमको ये बिल्कुल नहीं करना, बॉडी को हल्का सा आगे की साइड झुका के रखनी है। जैसे ये है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, हमें थोड़ी सी ये झुकानी है बॉडी। ठीक है, ये आगे की साइड ये झुका के ये दौड़ना है। उसके बाद हमें हाथों की मूवमेंट क्या रखनी है। हाथों की मूवमेंट में क्या होता है, हम कुछ साइड में चलाते हैं, कुछ बच्चे हाथ आगे करके दौड़ते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हाथों की मूवमेंट हमेशा जो अपना कान है ना, कान के बराबर से ये जाती है। ये पैर, लेफ्ट पैर हमारा आगे है तो हमारा राइट हैंड आगे आएगा, लेफ्ट हैंड पीछे चला जाएगा। स्पीड जैसे बढ़ेगी, हाथों की मूवमेंट अपने आप तेज हो जाएगी। हाथ कहाँ से कहाँ तक रखने हैं, हाथ ये पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, ये यहाँ से बैंड होगा कोहनी से, ये पीछे वाला बिल्कुल स्ट्रेट, ये पीछे वाला स्ट्रेट गया, ये यहाँ तक आया। ये उंगलियाँ, हाथों की उंगलियाँ आगे की साइड बैंड करके रखो। ये नहीं है, ये कुछ बच्चे ऐसे होते दौड़ते टाइम ये भी निकाल देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये आगे थोड़ी सी बैंड करके रखो या फिर ऐसे ही बिल्कुल मूवमेंट, ये मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं हम पैरों के स्टेप पे, कि पैरों के स्टेप होने क्या चाहिए। दोस्तों, पैर ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो साइड में ऐसे ऐसे रख के चलते हैं, ये दौड़ते भी ऐसे हैं, दौड़ते भी ऐसे हैं, तेज दौड़ेंगे तो ऐसे ही दौड़ेंगे। कभी भी पैरों के स्टेप साइड में मत निकालो। आप ये स्टेप निकाल रहे हो साइड में, इससे क्या होता है कि हम जो फोर्स लगाते हैं ना, वो साइडों में जाता है ये, और हम स्ट्रेट नहीं दौड़ पाते। स्ट्रेट दौड़ने के लिए हमें पैरों को स्ट्रेट रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो पंजे का हमारा फोर्स लगता है ना, वो आगे की साइड लगता है और हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद दौड़ना कैसे है। दोस्तों, अगर 200 मीटर दौड़ रहे हो तो आपको फुल स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, और 1600 मीटर जैसे दौड़ रहे हो आप, उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बॉडी को कभी भी टाइट मत रखो। दौड़ते हैं जैसे टाइट रख कर लेते हैं, बहुत टाइट, बॉडी को लूज रखो और स्पीड बढ़ाओ। केवल अपर फोर्स नहीं लगाना, आपको पैरों के स्टेप खोलने हैं, थोड़ा जंप लेके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप कैसे खोलने हैं, बॉडी कैसे लूज रखनी है, स्टेप कैसे खुलते हैं, थोड़ा जैसे दौड़ते हैं तो जंप लेके कैसे करना है, ये बेसिक चीज़ है। मैं ये अभी आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आ जाएंगे सारे, तू इधर आ जा, इधर आ जा, सही आएगी, इधर आएगी, स्टार्ट। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कि 200 मीटर या 100 मीटर उसके लिए आपको स्टार्ट कैसे लेना है। स्टार्ट कैसे लेना है, कौन सा पैर आपका स्ट्रोंग होता है, जो भी पैर आपका लेफ्ट हो या राइट हो। अगर मेरा लेफ्ट पैर स्ट्रोंग है तो मैं ये पोजीशन पैर आगे रखूँगा, पीछे वाली पोजीशन ये आएगी थोड़ी झुक के। जैसे ही विसल बजेगी तो आपको, जैसे विसल बजी ये स्टार्ट लेना है। तुम लोग गलतियाँ क्या करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ही विसल या क्लैप जो होती है स्टार्ट लेते हैं, जैसे ही क्लैप बजती है तो तुम क्या करते हो, यहाँ से ऐसे तो बॉडी रखते हो, स्टार्ट लेते हो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो। यहाँ से स्टार्ट लिया तो ये करके दौड़ सकते हो। दोस्तों, ये कभी भी नहीं करना है। माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है 100-200 मीटर कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको अच्छी टाइमिंग लेके आनी है, अच्छे मार्क्स चाहिए,
युवा विकास में 24 सेकंड में रनिंग ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको अच्छा एक छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्ट, ये बॉडी ये रखी, ठीक है, विशल बजते ही आपको जैसे दौड़ना है कम से कम 10 कदम, कम से कम ये बॉडी झुक के फिर उठाना है बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट में, नहीं थोड़ा सा तो आगे साइड झुकाऊंगा। देखो मैं बताता हूँ, विशल लगा देना, देखो ये छोटे ये उसके बाद बड़े करके तुम मेरा धीरे धीरे। इस ये किस लिए बता रहा हूँ मैं, झुक के अगर दौड़ोगे ना आप तो फोर्स अच्छे से लगा सकोगे, ये फोर्स लगेगा ये ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, पैरों की स्टेप हमेशा आगे निकालने है। ये किस लिए बता रहा हूँ बताता हूँ आपको, आप दौड़ रहे हैं हम पैरों को स्टेप आगे निकाल के चल रहे हैं, ठीक है, एक हम स्टेप ऐसे चलते दौड़ते नॉर्मल, ये दौड़ रहे तो हमारे स्टेप इतने हो रहे हैं, इतने खुल रहे हैं, ये चल रहे तो चल रहे नॉर्मल चल रहे हैं ये, ठीक है। और आगे निकाल के चलेंगे ये एक ये जाएंगे, स्टेप बढ़ेंगे, यही छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़, इससे ही टाइमिंग कम हो जाएगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप कैसे खोलना है। आप लंबी रनिंग कर रहे हो 1600, बॉडी ऊपर लूज कैसे रखनी है और स्टेप कैसे बढ़ाने हैं। यहां से मैं दौड़ रहा हूं, देखना मैं बिल्कुल नॉर्मल दौड़ूंगा, तुम्हें लगेगा भी नहीं सर दौड़ रहे हैं अच्छे, मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, और रनिंग अच्छे से कर पाऊंगा, स्टेप भी अच्छे से खुल के आएंगे। स्टार्ट करता हूँ अभी, यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ मैं, पैरों में मूवमेंट देखो आगे निकल रहे हैं ना आगे, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको 100 मीटर में दिखाता हूं कि 100 मीटर में पैर कितने खुलते हैं अपने, अपनी हाइट है ना, अपनी हाइट से 1 या 2 फुट तो आराम से मान के चलो, 2 फुट तक तो पैर सभी के खुलते हैं अगर स्टेप जिसके अच्छे है तो। हाइट अगर 5 फीट है तो आपके 7 फीट तक पैर खुलते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, आ जाओ एक दिनों दोस्तों देखो अब स्टेप कहाँ से कहाँ तक खुल रहे हैं, ये 0 है, 0 से स्टार्ट है, ये 7 फीट तक, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और 7 फुट तक मेरे स्टेप खुल रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे बंदे के देखो जो मेरे साथ जिसने मेरे साथ रनिंग की थी उसकी कितने, ओपन कर दे 7.5, इसकी हाइट 5.10 दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार स्टेप खुल रहे हैं, मेरी हाइट 5'7" होने के बावजूद भी स्टेप 7 फीट तक, इसकी हाइट 5'10" है 7.5 फीट। अगर आप भी मेहनत करोगे तो इसी प्रकार आपके भी स्टेप खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।